दोस्तों मी यू आई 11 की एक और स्पेशल थीम में आपका स्वागत है। और आज की जो थीम है वो सोनिक कॉमिक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड एक थीम है। इस थीम में आपको सोनिक वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, सोनिक वाले आइकन देखने को मिल जाते हैं, स्टेटस बार आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर लॉक स्क्रीन का लुक भी काफ़ी लाजवाब है। तो इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है, क्या है इसके और फीचर्स, बात करते हैं इसी के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज की अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों ये जो थीम है सोनिक, इसमें जो लुक आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन का वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके डायल पैड की, तो डायल पैड में आपको बैकग्राउंड में यही वॉलपेपर नज़र आएगा और काफ़ी अमेजिंग डायल पैड के साथ में। और मैसेजिंग का लुक भी आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड में यही वॉलपेपर रहेगा। और अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में तो वहाँ पर भी देख सकते हैं ये वॉलपेपर आपका बैकग्राउंड में रहता है और ये जो कम्प्लीटली यहाँ पर लुक चेंज हो जाता है सेटिंग्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप में भी ये थीमिंग कर देती है, यहाँ ब्लू कलर की थीमिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ जो मीडिया बटन है वो भी आपके चेंज हो जाएंगे। इस थीम के साथ मुझे केवल एक ही प्रॉब्लम आई है कि इसका जो वॉलपेपर है स्क्रीन पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए। इसके लिए आपको करना क्या है कि स्क्रीन पर आपको टेप करके रखना है, उसके बाद वॉलपेपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको रिसेंटली यूज्ड वॉलपेपर पर टेप करना है, उसके बाद यहाँ पर जो आपको फुल वॉलपेपर मिलता है उसे आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देंगे तो अब ये स्क्रीन में फिट बैठेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस थीम के अंदर। अब बात कर लें इसके लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पर आपको लेफ्ट और राइट में ऑप्शन मिल जाते हैं, कैमरे के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लॉक विजिट के, और डबल टैप करते ही यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है और स्वाइप अप करने पर यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। अब बात करें कि इस थीम को कैसे डाउनलोड करना है, तो ये थीम सेंटर पर आपको सोनिक V11 के नाम से मिल जाएगी। और वैसे इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ।